अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील, जिसे नाइल भी कहा जाता है, एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है उस पर बनने वाला ग्रैंड रेनेसा डैम। क्या है पूरा मामला और क्यों अफ्रीका के कुछ देश इसे लेकर विवाद में उलझे हुए हैं, बताऊंगा आपको ज्ञान की डिजिटल दुनिया। ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है अंजुम शर्मा। अफ्रीका के तीन देश इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट, हाल ही में तीनों देश एक बार फिर से राजी हुए हैं नेगोशिएशन करने के लिए कि एक दशक से जो परियोजना लटकी हुई है उस पर फिर से काम किया जाए। दरअसल इथियोपिया नील नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण करना चाह रहा है, जिसने इस नदी के निचले इलाकों में स्थित देशों को संकट में डाल दिया है। आप जानते हैं रिवर नाइल या नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इक्वेटर के साउथ से यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं वाइट नील और ब्लू नील। वाइट नील नदी का जो उद्गम है वो मध्य अफ्रीका के अफ्रीकन ग्रेट लेक क्षेत्र से होता है, जबकि ब्लू नदी जो है इथियोपिया की लेक टाना से निकलती है। आपको बता दें कि ग्रैंड रेनेसा डैम जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना है और इसका स्थायी प्रभाव निश्चित रूप से नील नदी पर पड़ेगा, क्योंकि ये उसी पर बन रही है। नील नदी में भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये ब्लू नील नदी पर बनने वाले डैम की परियोजना है। अब विवाद क्या है ये समझिए। इथियोपिया ने 2011 में ब्लू नील नदी पर एक बांध निर्माण का काम शुरू किया था, जिस पर इजिप्ट को आपत्ति थी। इजिप्ट, जिसे हम मिस्र कहते हैं, उसे उस पर आपत्ति थी। आपत्ति इसलिए क्योंकि मिस्र जो है वो नील नदी के अनुप्रवाह में आता है, यानी डाउनस्ट्रीम पर पड़ता है। अब मिस्र ने आपत्ति जताई कि अगर आप बांध बनाते हैं और पानी रोकते हैं तो जल स्तर में कमी आ सकती है। मिस्र की निर्भरता नील नदी पर कितनी है इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पेयजल और सिंचाई की सप्लाई के लिए वो 97% इसी नदी पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर जल की उपलब्धता ज़रा सी भी कम होती है तो खाने से लेकर पानी तक और रोजगार तक पे मिस्र के निवासियों पर असर पड़ना तय है। सूडान का भी कुछ यही कहना है, उसका भी यही स्टैंड है। वो भी कहता है कि इथियोपिया को अगर ये अधिकार मिल गया तो वाटर लेवल सूडान में कम हो जाएगा। हालांकि सूडान के लिए इस डैम का एक महत्व भी है, वो ये कि अगस्त और सितंबर के महीने में जो सीरियस फ्लडिंग की समस्या होती है यानी बाढ़ जो आती है, उससे सूडान को बचाव का रास्ता मिल सकेगा, क्योंकि नदी का पानी इथियोपिया द्वारा बांध से रेगुलेट किया जा सकेगा, जिसके बाद सूडान में जो कि अनुप्रवाह क्षेत्र यानी डाउनस्ट्रीम पर वो भी पड़ता है, वहाँ पर फ्लड आने की समस्या, बाढ़ आने की समस्या कम हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद जल स्तर में कमी आना सूडान के लिए भी उतना ही चिंता का विषय है जितना मिस्र के लिए है। अब जानते हैं इथियोपिया के लिए इस बांध की महत्ता क्या है। इथियोपिया का कहना है कि अगर बांध का निर्माण होता है तो 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। अगर हालिया रिपोर्टों की बात करें तो इथियोपिया की 60% से ज़्यादा आबादी बिजली की कमी से जूझ रही है। इस ग्रैंड रेनेसा डैम से न केवल इथियोपिया के लोगों को बिजली की आपूर्ति हो सकेगी, बल्कि आसपास के पड़ोसी देशों में भी विद्युत की आपूर्ति करने से राजस्व में वृद्धि होगी और विनिर्माण उद्योग को भी मदद मिलने की संभावना है। अभी इथियोपिया, मिस्र और सूडान एक बार फिर से चर्चा के लिए राजी हुए हैं। हालांकि ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि इथियोपिया का कहना है कि बांध के लिए या फिर बांध में जल को भरने के लिए उसे किसी और देश की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, ना मिस्र की ना सूडान की। मिस्र ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने भी रखा। उसने लिखा कि बांध निर्माण से मिस्र के आम नागरिकों की खाद्य और जल सुरक्षा और आजीविका प्रभावित हो सकती है। यहाँ तक कि मिस्र का कहना है कि अगर बांध का निर्माण होता है तो दोनों देशों के बीच में संघर्ष भी हो सकता है। कहना अलग बात है, लेकिन मुद्दा शांति से सुलझ सके इससे बेहतर कुछ नहीं होता। इसलिए बातचीत के लिए तीनों देश एक बार फिर से राजी हुए हैं। उनके बीच में जो वार्ताएं चल रही हैं वो साउथ अफ्रीका के ऑब्जर्वेशन में चल रही हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका वर्तमान समय में अफ्रीकन यूनियंस की रोटेटिंग काउंसिल को हेड कर रहा है, चेयर कर रहा है। हालांकि तमाम वार्ताएं पहले भी हुई हैं और उनका नतीजा वही ढाक के तीन पात। इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सभी देशों के हितों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि आप जानते हैं
जल का बंटवारा, वायु का बंटवारा, आसमानों का बंटवारा, ये उतना आसान है नहीं जितना इन्हें समझा जाता है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल, अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, आपको बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, जिसे हम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। बहुत आसान सा सवाल है, मुझे पता है आपको इसका उत्तर पता होगा। अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं पता तो सर्च करें और तब बताएं। वैसे आपको बताऊं कि जो मैंने पिछला सवाल आपसे पूछा था यूपी के रक्षा औद्योगिक गलियारे के बारे में, उसका जवाब सभी ने एकदम सही दिया था, इसलिए उसका जवाब मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि एक भी एस्पिरेंट ऐसा नहीं था जिसे उसके जवाब को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो। इसलिए अगर आपको उसका जवाब जानना है जो पहली बार आज का पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो पिछला पॉडकास्ट जो कि डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर पर था, वो एक बार जाकर सुन सकते हैं और सवाल भी सुन सकते हैं, उसके जवाब वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा JioSaavn, Spotify और Google पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी आप ध्येय रेडियो के ये पॉडकास्ट सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, नमस्कार।